आए हम जानते हैं हमारे बीच में जो मैडम लोग आए थे हमारे मायाबंदर बीच में कुछ कंप्लेन लेके। मैडम जो आपने जिगलीपुर में जो कंप्लेन किए थे जो आप लोग के हुए, तो आप लोग यहाँ मायाबंदर आने के कारण क्या है मैडम? सर कल तो हम लोग सुबह जब गए थे मायाबंदर तो वहाँ का जो एस आई जो मतलब डिगलीपुर एस आई जो वहाँ का है, तो हम लोगों को बोले कि आपका जो कमेटी है एक एक डिपार्टमेंट का एक एक कमेटी रहता, वो डिपार्टमेंट का पास आप जाइए, वो डिपार्टमेंट का पास जो कमेटी है उनका पास जाके आप लोगों का प्रॉब्लम बताइए कि आप लोगों के साथ क्या होता नहीं होता वो सब बताइए, तो वो उन लोग आके हम लोगों के पास कंप्लेन देंगे, उसके बाद हम लोग एक्शन लेंगे। ठीक, ये बात बताया गया है। करीब डेढ़ बजे तक हम लोग इस तरह टालते गए उन लोग, फिर पता नहीं डेढ़ बजे तक क्या हुआ, डेढ़ बजे के बाद हम लोगों को बोलता है ठीक है आप लोग एक रिटर्न कंप्लेन लिख के दे दीजिए करके। तो हम लोग जब रिटर्न कंप्लेन लिख के दिए, वहां से कोई लिखने के लिए रेडी नहीं थे, हम लोगों को जितना था जो पॉइंट्स था हम लोग डाल के वो लिख दिए। लिखने के बाद वहां पे हम लोग रिसीव करा के ऑफिस आए, ऑफिस आने के बाद 5 बजे हम लोगों को वहां पे बुलाया उन लोग, 5 बजे बुलाने के बाद हम लोगों को बैठा के रखे, फिर थोड़ा देर बाद बोलते हैं कि ये जो आप लोग स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट में काम नहीं होएगा, इसमें आप लोग सब मिलके दिए हैं, अभी आप लोगों को एक एक जन बुला के जितना जन लेडीज लोग हैं एक एक जन को बुला के पर्सनली उन लोगों का स्टेटमेंट लेना होगा करके। फिर मेरे को हमको बुला के लेके गया वहां पे, लेके जाने के बाद मेरे से पूछा, पूछने के बाद हम जो पहले जो हम जो पॉइंट्स दिखाई थी वो वाला पॉइंट्स उसमें उन लोग कुछ इंक्लूड नहीं करे, उसमें उन लोग हाँ लिखा है कि बाल स्ट्रेट करना जो भी था थोड़ा थोड़ा पॉइंट उन लोग लिखा है, लेकिन जो जरूरी था कि हम लोग का हाथ पकड़ा ये सब बात उन लोग नहीं लिखी उसमें। तो उसके बाद हम लोगों को वो लिखते लिखते करीब 10:45 बज गया था। तो मैडम आप लोग जो इतने दूर से आए तो कोर्ट में मैडम आप लोगों को क्या जजमेंट मतलब क्या बताए कोर्ट में, मतलब क्या एक्शन कुछ आप लोगों को बताया? हम लोगों को कुछ एक्शन नहीं बताया, हम लोग सर जो हुआ वो वहाँ पे कुछ हुआ नहीं हुआ वो हम लोगों के बारे में कुछ नहीं पूछे वहाँ से, हम लोग बस इतना ही पूछे कि आप लोगों के बारे आप लोगों के साथ अभी तक क्या हुआ वो सब आप लोग डिटेल्स में बताए, और जो जज थे वो हम लोग के साथ सब कुछ सुने, सब कुछ सुन के वो खुद अपना टाइप करे, हम लोगों के साथ जो हुआ वो सब हम लोग बताए, और थाना में भी जो हुआ वो भी हम लोग बताए कि थाना में इस तरह करे, तीनों जन से पूछे हम लोग, तीनों जन हम लोग जो बात बोले वो सर खुद ही टाइप करे, खुद ही टाइप करके हम लोग जो बोले हम लोग को टाइप दिखाए कि यही बात है, हाँ यही बात है बोले, तो सबका बारे में लिख के वो अपना अपना लेटर सबका लेटर उनका सबमिट करे। हम लोग इतना ही रिक्वेस्ट करें कि हम लोग कल जाके थाना में जाके रिपोर्ट लिखाए, उनको कल रात को ही छोड़ दिया गया, तो हम लोग आज हम लोग यहाँ पे बुला के हम लोग कोर्ट में बुला के इस तरह करते, हम लोग सुबह से आए अभी जाते हैं, अभी करीब 8:30 बजने वाला है, उसमें आके कंप्लेंट दर्ज किए मैडम। जी सर। तो आपने देखा जैसे मैडम लोग कहा कि कितने मुश्किल से डिगलीपुर से जो आए हमारे कोर्ट आए वहाँ पे आके कंप्लेंट दर्ज किए कि वहाँ पे जो कंप्लेंट लिखे थे वहाँ पे कोई मतलब सुनवाई नहीं हुआ पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, और कुछ मतलब मैडम को कोई उसके बारे में मतलब मैडम लोग के बारे में कुछ भी ऐसा कुछ कहा नहीं, और उस लोग कंप्लेंट वापस वहाँ पे स्ट्रांग कंप्लेंट नहीं हुआ तो मैडम लोग वहाँ पे यहाँ पे मतलब वहाँ से दूर से यहाँ तक आना पड़ा हमारे मायाबंदर डिस्ट्रिक्ट पर। कि कल रात को जब 11:30 बजे हम लोगों को जब निकलने का टाइम रहेगा वो टाइम में एसआईएचओ और जो भी 2-3 थे स्टाफ थे उन लोग आके बोलता कल आप लोगों को मायाबंदर जाना पड़ेगा, उससे तो पहले नहीं बोले, उससे पहले नहीं 11:30-12 को हम लोग बोलते हैं कल सुबह आपको मायाबंदर जाना, हम लोगों से अलग अलग कंप्लेंट नहीं लिखाए, हम लोग लेडीज लोग थे हम लोग सब जाके अलग अलग कंप्लेंट लिखाने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने हम लोगों का कंप्लेंट नहीं लिखा, हम लोगों को बोला गया कि आप अभी कंप्लेंट लिख के दो उसका बाद और जितना जन है उन लोगों का कंप्लेंट हम लिखेगा, जैसे मेरा कंप्लेंट हुआ इन लोग बोलता आप लोगों का कल लिखेगा, लेकिन जब एफआईआर बन गया उसके बाद हम लोगों को बोलता है और कुछ कंप्लेंट नहीं होगा, आप लोगों का नाम पारी पारी आते रहेगा, अभी यही कंप्लेंट को लेके आप लोगों को कोर्ट जाना है करके। फिर हम लोग पूछे क्या सर मैडम हम लोग अकेले ही जाना है, तो क्योंकि हम लोगों को कोर्ट के बारे में कुछ नहीं पता सर, इससे पहले हम लोग कभी भी कोर्ट नहीं आए, तो हम लोगों को पारी पारी बुलाया के उस तरह ही बोला कि आप लोगों को कोर्ट तक आना है करके। तो हम लोग पूछे कि सर जो मोहम्मद अली सर है उनको भी आना, तो बोलते हाँ वो भी आएंगे, लेकिन हम लोग जब सुबह कोर्ट में यहाँ पे पहुंचे तब देखते मोहम्मद अली सर हम लोगों के साथ नहीं है, खाली हम ही लोग, जबकि कल रात को ही उनको छोड़ दिया, बाद में पता चला कि कल रात को ही उनको छोड़ दिया गया, उनको जस्ट 2-3 घंटा रखे, 3 घंटा रखे उनको छोड़ दिया गया, ना उनके प्रति कोई कंप्लेन रखे ना कुछ नहीं, और वो अभी तक हम लोग कल पूरा दिन भर कल 25 तारीख कंप्लेन करने गए, दिन भर हम लोग हैरेसमेंट हुए, थाना गए ऑफिस गए खाए नहीं पिए नहीं, रात का 12 बजे घर गए, वो इंसान रात का 12 बजे छूट के आज दिन भर वो डिगलीपुर बाजार में घूम रहा है, जबकि हम लोग यहाँ थाना में मायाबंदर कोर्ट में घूम रहे हैं, क्यों
हम लोग जजमेंट का यही है, डिगलीपुर थाना से यही मिला कि हम लोग मायाबंदर में है, जितना विटनेस है, जितना हम लोग कल्पित है, सब हम लोग मायाबंदर कंप्लेन लिखाने आए जज का पास। और वो इंसान, जो इंसान कंप्लेन करने गए जिसका पति, वो अभी डिगलीपुर बाजार में घूम रहे है, ऐसा क्यों? उनका पति क्यों एक्शन नहीं लिया गया? तो आप देख सकते हैं कैसा वहाँ पर संकट हुए कि वहाँ पे जो मैडम लोग जिसपे कंप्लेन गए वो का दो घंटे में छूट गया और उसके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं हुआ। अरे हम इसके बारे में हम मैडम से बहुत जानकारी लिए और इसमें ये कहूँगा पुलिस डिपार्टमेंट से कि उसके ऊपर में जल्द से कार्रवाई करिए और कम से कम उसको देखिए कि इसके बारे में क्या एक्शन आए। आइए हम जानते हैं। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।